so we can elaborate in this uh, in two lectures the total topic contains super finishing honing and lapping and polishing ha. so before going to start this three topic uh, we are discuss about the super finishing okay? we are starting from the basic levels uh, finishing then super finishing then uh, these three process which is the part of the our syllabus okay? so super finishing

मिलिंग भी हो सकता है कुछ भी हो सकता है ये हमारी मशीनिंग हो गई अब मशीनिंग के बाद आफ्टर द मशीन यू आर नॉट ऑप्टेन अ फिनिश सर्फेस या स्मूथ सर्फेस फाइन सर्फेस स्मूथ सर्फेस व्हाट एवर यू वॉन्ट टू से कि वी वी डिड नॉट फाइंड एनी स्मूथ या फाइन सर्फेस लाइक दिस या फिर लाइक दिस बोर्ड लाइक यू कैन से इन अ मिरर सर्फेस बिकॉज आफ्टर द टर्निंग ऑपरेशंस If you are obtain like a small um, particles, burr shape, so this is a cause of friction and uh, surface defects between two mating surfaces. When you use this shaft, for example, this is a shaft and this is a hole, okay. So, so this surface roughness is a cause of friction between those, so that is a reduction of the speed of. आउटपुट आपने इनपुट पर जितना स्पीड दिया आउटपुट पर इफेक्ट करेगा पारलली कॉज ऑफ हीट डिसिपेशन इन साइड द असाइनमेंट ये जो अंदर मेटिंग सरफेस का जो एरिया है वहाँ पे भी हीट डिसिपेशन होगा एंड दैट इज हीट डिसिपेशन माइट बी है कॉज ऑफ सरफेस प्रॉपर्टी एंड डिफेक्ट्स सो मेनी टाइप्स ऑफ फॉडीग जो कि साफ्ट में अक्सर आता है कि फोडिक डिफेक्ट्स आता है तो अवॉइड टू दीज प्रॉब्लम्स वी आर गोइंग टू यूज़ फिनिशिंग ऑपरेशन्स फिनिशिंग को हम तब देते हैं अब फिनिशिंग में क्या होता है कि आफ्टर दैट फिनिशिंग में आप पहले आप ग्रैंडिंग यूज़ करते हो जो कि अभी हम पिछले लेक्चर्स में डिस्कस किए ग्राइंडिंग के बाद फिनिशिंग पे बात आ जाती है ठीक है अगर फिनिशिंग से भी बात नहीं बनी तो हम सुपर फिनिशिंग पे चाहते हैं सुपर फिनिशिंग मीन्स लाइक अ मेरर सरफेस मिरर सर्फेस की तरह जो फिनिशिंग हो जिस पर आप नेक डाई से एक भी आपको डिफेक्ट्स ना दिखें एक भी सर्फेस पे रेगुलर्टीज ना दिखे सो दैट इज़ अ नोन एज अ सुपर फिनिश्ड फॉर एग्ज़ाम्पल ऑर्नामेंट्स ज्वेलरी में जो आप देखते हो कि जब नई ज्वेलरी आपके पास बन के आती है तो क्या होता है उस पर एक फिनिशिंग जो होती है पॉलिशिंग कर दी जाती है वो जैसे हम हिंदी भाषा में आप मकमल का कपड़ा कहते हो वो लोग कर देते हैं या उनके पास जो और भी टूल्स होते छोटा सा ग्राइंडर होता है इतना छोटा सा उससे करते हैं वो तो वो शाइनिंग आ जाती है फिनिशिंग का मतलब होता है कि वो सुपर फिनिशिंग का जो पर्पज होता है वो फाइन फाइन सरफेस के लिए होता है ठीक है अब जैसे कि अगर हम बात कर लें कि ग्राइंडिंग और फिनिशिंग इसके बाद तीसरा स्टेप आपका जैसे पहला स्टेप तो आपका ये हुआ मशीनिंग दूसरा हुआ ग्राइंडिंग दूसरा ग्राइंडिंग तीसरा फिनिशिंग और चौथा सुपर फिनिशिंग ये लास्ट है इसके आगे कोई ऑपरेशन फाइन सरफेस के लिए हम नहीं प्रिफर करते नहीं होता है, ठीक है तो मशीनिंग में आपने क्या किया कि मटेरियल मूबल रेट ज्यादा हुआ जो डिजायर्ड शेप एंड साइज है ऑप्टेन कर लिया ठीक है सरफेस सर्विस हो गई। अब कैसे पता चलेगा कि ये सरफेस रेगुलेटिव है तो जो भी हमारा वर्क पीस है ये हमारा फॉर एग्जांपल वर्क पीस है कुछ ऐसे ठीक है तो एक यहाँ पे सेंटर लाइन ऑफ एक्सेस हम ड्रॉ करते हैं एज्यूम कर लेते हैं इमेजनरी होती है सेंटर लाइन ऑफ एक्सेस जो कि नेकडाई से नहीं होती है हम एज्यूम कर लेते हैं जब आप सरफेस रफनेस मेजर करोगे आर ए और आर जेड के टर्म्स में ये सैम्बल है रफनेस एवरेज और रफनेस मैक्सिमम तो ठीक है तो यहाँ से हमें पता चल जाता है कि रेगुलर्टीज़ कितनी है एगर को कैलकुलेट करके बताया जा सकता है कि ये सरफेस रफनेस है या नहीं है तो कितना है कितना ज़्यादा है कितना कम है अगर बहुत ज़्यादा है रफनेस जैसे कि ये ही अगर इस शेप में कुछ हो लाइक like दस इस शेप में कि ये सेंटर लाइन है हमारी इस तरीके से कुछ हो तो फिर हमें ग्राइंडिंग को प्रीफर करना पड़ेगा जैसे जैसे रेगुलरटी जिसकी मिनिमाइज होती जाएगी ऑपरेशंस भी हम डाउनवर्ड्स में चलते जाएंगे तो पहले हम ग्राइंडिंग को प्रेफर करते हैं ग्राइंडिंग का पर्पज़ दो पर्पज़ होता है सरफेस फिनिशिंग एज वेल एज डायमेंशन एक्यूरेसी मेंटेन करना जहाँ पे हमें बहुत पॉइंट टू टॉलरेंस में हमें पॉइंट टू पॉइंट जीरो टू या पॉइंट फाइव का है इस तरीके से इससे कम का है जहाँ पे हम मशीनिंग से नहीं कवर कर सकते मशीनिंग में ये रहेगा कि कहीं ज़्यादा ना हो जाए मटेरियल रिमूवल तो डायमेंशन एक्यूरेसी डिस्टर्ब हो जाए तो वहाँ पे हम ग्राइंडिंग को प्रीफ़र कर देते हैं तो ग्राइंडिंग का पर्पज क्या है कि डायमेंशन एक्यूरेसी और फाइन सर्फेस के लिए भी पैर उसके बाद अगर नहीं हो पा रहा है उसके बाद भी हमें फाइन सर्फेस और चाहिए जहाँ पे स्मूथ हमें चाहिए तो फिर हम प्रिफर कर देते हैं फिनिशिंग ऑपरेशन को फिनिशिंग ऑपरेशन को जिसको हम कह देते हैं ठीक है फिनिशिंग ऑपरेशन का भी पर्पज यही दो होता है कि मतलब स्मूथ सरफेस पाना फाइन सरफेस पाना प्लस डायमेंशन एक्यूरेसी को भी मेंटेन करता रहना पैरेलली अगर हमें डायमेंशन एक्यूरेसी मेंटेन करना और स्मॉल लेवल पे तो हम ये फॉलो कर देते हैं लास्ट में अगर हमें मिरर इमेज चाहिए कि जहाँ पे हम इतनी पॉलिशिंग हो कि अगर हमें उसमें अपनी परछाई तक दिखने लग जाए अगर इमेज क्लियर नहीं विजिबल हो रहा तो कुछ तो दिख जाए कि हाँ ये मैं ही हूँ कुछ पता चल जाए इस टाइप की अगर आपको चाहिए फिनिशिंग चाहिए जैसे कभी कभी आप देखते हो कि टाइल्स में इतनी सुपर फिनिशिंग होती है एकदम तो शाइनिंग आती है कि सन रेज आता तो रिफ्लेक्ट होकर आपके ऊपर आ जाता है तो इस तरीके से या फिर कैसे जैसे हमारा ये ग्लास है ये ग्लास हमारा सुपर फिनिश है सुपर फिनिशिंग कैटेगरीज में एक भी स्क्रैचेज आपको नहीं दिख रहे हैं अभी इनिशियल स्टेज पे लेंस है हमारा इस लेंस की भी हाँ बात अगर हम कर ले रहे हैं तो ये सुपर फिनिशिंग कैटेगरीज में है तो सुपर फिनिशिंग जब चाहिए होता है तो वहाँ पर हमें सिर्फ और सिर्फ सरफेस की बात करेंगे न कि डायमेंशन एक्यूरेसी की बात करेंगे वहाँ पर ये चीज़ हट जाता है तो सुपर फिनिशिंग हमारा मतलब लास्ट स्टेज है कि फाइनल आप प्रोडक्ट बन चुका है अभी मार्केट को जाने को तैयार है या जिसको रिक्वायरमेंट है वो वो जाए वेयर हाउस को भेज दो ये जिसको रिक्वायरमेंट है उसको दे दो तो यानी मशीनिंग के बाद से ये लास्ट स्टेज है सुपर फिनिशिंग और सिर्फ ये फाइन सरफेस के लिए बात करता है ठीक है तो रिक्वायरमेंट क्यों थी फाइन सुपर फिनिशिंग की ये हमने डिस्कस कर दिया किस स्टेज से हो क्या आता रहता है सुपर फिनिशिंग तक हम कैसे पहुँच रहे हैं ये बात हो गई सो so, मतलब हमने ये टॉपिक डिस्कस किया कि मशीन कैसे हम सुपर फिनिशिंग पे आ रहे थे मशीनिंग से स्टार्ट करके सुपर फिनिशिंग तक आ रहे हैं और पर्पज क्या सुपर फिनिशिंग का ये डिस्कस कर लिया अब हम आते हैं बेसिक इसके इंट्रोडक्शन्स पे और रिलेट करते हैं चीज़ों को तो ये है एबरेसिव मशीनिंग प्रोसेस ठीक है मटेरियल रिमूव का यूज़ करता है स्मॉल लेवल पे मटेरियल रिमूवल रेट होता है इसका ये आप ध्यान रखिएगा ऐसा नहीं है इसका माइक्रो माइक्रो मै, लेवल पे यहाँ पे बात होती है ठीक है एब्रेसिव पार्टिकल्स यूज होता है जैसे जैसे शेप उसका डिक्रीज करेंगे एब्रेसिव पार्टिकल्स का डाउन करेंगे डायमीटर उसका डाउन करते जाएंगे वैसे उसे सुपर फिनिशिंग की तरफ वो बढ़ता जाएगा ठीक है इतने टाइप्स के हमारे मशीनिंग प्रोसेस होता है जिससे हम एब्रेसिव बॉडी इसलिए यूज हो रहा है कि एब्रेसिव पार्टिकल्स यूज हो रहे हैं ठीक है तो इतने टाइप के हमारी सुपर फिनिश ये मशीनिंग प्रोसेस है जो जो फाइन सर्फेस के लिए हमें रिक्वा uh, सपोर्ट करते हैं फाइन सर्फेस ऑप्टेन करने में हमारी हेल्प करते हैं सुपर फिनिशिंग ग्राइंडिंग हॉर्निंग लैपिंग पॉलिशिंग इसमें से इन तीन को हम ऑनिंग लैपिंग और पॉलिशिंग को हम नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे और ये एब्रेसिव वाटर जेट मशीनिंग अल्ट्रासोनिक मशीन है ये फर्दर आगे है आएगा मशीनिंग uh, के टर्म्स में उस पर हम देखेंगे ठीक तो है तो क्वेश्चन ये था कि वाई वी फिनिश फिनिशिंग इज़ अ रिक्वायर्ड या सुपर फिनिशिंग इज रिक्वायर्ड तो हमने शुरू में आपको बताया था वी आर डिस्कसिंग इन द स्टार्टिंग ऑफ द लेक्चर कि फिनिशिंग इज़ अ रिक्वायर्ड फॉर द ऑप्टिंग द फाइन सर्फिस Because sometimes we require super finished surface mirror image, like a surface uh, when uh, mm, uh, we develop a product a shape or work piece, like a, which is a part of the. Um, uh, movable, uh, which is a play a role in the movable part of the any machines. So, during the movable part they mating with other parts work piece and mating uh, during the mating of the piece and they are uh, they are in relative motions. So, uh, roughness if surface roughness uh, increase as much as they are cause of the uh, frictions and uh, they are cause of a uh, heat and that has also a types of different uh, uh, generate different types of uh, defects. so mechanical property affected by that workpiece and that workpiece damage so uh, production our machining process stop for some time and there is a loss of the economical and uh, machining time hamara jo हो wo bhi stop kar jayega so हमें इस uh, finishings को इसीलिए हमें minimize करना पड़ता uh, sorry finishing को promote करना पड़ा है और uh, surface roughness को minimize करना पड़ता है तो so, surface roughness जो हमारा है uh, sorry surface, uh, super finishing जो हमारा है ये surface phenomena है ठीक है इट इज अ सरफेस फिन नॉट मैकेनिकल इंटरनल मतलब माइक्रो लेवल या माइक्रो माइक्रोस्ट्रक्चर फिनोमिना है इसका ये सरफेस सर्फेसिना हमेशा सरफेस पे ही डेप्थ में ये कभी कोई इफेक्ट नहीं कर रहा है ठीक है द नॉट सीन नेक डाई सो वी फिनिशिंग ऑपरेशन सुपर फिनिशिंग की हम बात करते हैं या फिनिशिंग की हम बात करते हैं अगर नेक डाई से दिख रहा है दैट मीनस कि हम ग्राइंडिंग से भी उसको परफॉर्म रिमूव कर सकते हैं ठीक है सर्फेस इरेगुलरिटीज और कॉज ऑफ स्ट्रेस कंसेंट्रेशन स्ट्रेस कंसंट्रेशन दैट मीन्स कि अगर सरफेस रेगुलरिटीज़ है तो यहाँ पे अगर सर्फेस रेगुलरिटीज़ हो रही है तो यहाँ पे एक डेप्थ अगर क्रिएट होगा धीरे 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 वो डेप्थ बढ़ता जाएगा और यहीं से फ्रैक्चर स्टार्ट हो सकता है तो स्ट्रेस कंसंट्रेशन यहीं पे होगा ठीक है फ्रैक्चर फिटिंग इट इज मतलब और भी चीजें फ्रैक्चर का मतलब तो फटीक फ्रैक्चर यहाँ पे बात हो रही है वो भी हो सकता है ठीक है वेयर रजिस्टेंस आएगा हीट आएगा हीट आएगा तो कोरोजन्स भी आ जाएंगे और बाकी चीजें ये सब सारी चीजें हैं टू इरेगुलाटी जो सरफेस इरेगुलरिटीज है दैट इज अज ऑफ सो मेनी डिफेक्ट्स एंड इफ़ यू वांट टू रिमूव दिस दिस डिफेक्ट्स सो वी फोकस्ड ऑन द फिनिशिंग ऑपरेशन वी मस्ट परफॉर्म फिनिशिंग ऑपरेशन इन केस ऑफ डिफेंस एरो स्पेस यू आर यूजिंग द मेटिंग पार्ट्स दैट पार्ट इन केस दे आर parts participate in machine which are the part of the motions

तो सरफेस रफनेस को मूवाइज करने के लिए हम सरफेस फिनिश ऑपरेशन पर यूज करते हैं ठीक है सरफेस फिनिश को जो हमें मेजर करना रहता है वो माइक्रो स्ट्रक्चर माइक्रोमीटर लेवल पे हम बात करते हैं माइक्रो क्योंकि बहुत ही स्मॉल मटेरियल मोबल रेट होता है तो माइक्रोमीटर लेवल पे बात करते हैं और जो हमने स्टेप्स बताए थे कि मशीनिंग से शुरू होती है मशीनिंग मशीनिंग के बाद ग्राइंडिंग फिर फिनिशिंग फिर देन सुपर फिनिशिंग ऑपरेशन ऐसे जाती है बात तो उसी स्टेप्स को यहाँ टेबलेन फॉर्म में दिखाया गया देखिए प्रसिशन ट्रेनिंग टर्निंग सॉरी तो टर्निंग के टर्म्स से हमें यहाँ देख सकते हैं छोटा सा ये कि ये सेंटर लाइन है सेंटर लाइन से इतना अप एंड डाउन जा रहा है तो ये 1.25 से 12.5 माइक्रोमीटर तक का इरेगुलर्टीज है इेगुलरटीज का मतलब यहाँ से ये जो शेप है ऐसे ऐसे इस टाइप के शेप से मतलब है इस टाइप से सेंटर लाइन से सी एल जिसे शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं अगर सर्फेस एवरेज आप पढ़ेंगे या पढ़े होंगे तो वहाँ पे तो ये 1.2 इसका है

कि सड़क पे क्या होता है कि पहले जो सड़क बनती थे तो बड़े बड़े वो पत्थर होते थे छोटे शेप के गिट्टे जिसे कहते थे फिर उसके बाद बड़ी गिट्टी आने लगी जिससे छत की ढलैया होती है फिर छोटी गिट्टी आने लगी अब सीमेंट की बनती है तो जैसे जैसे आप देखोगे तो उनकी सरफेस सर्फेसर्टी जिसे गड्ढे कहते थे पहले जो गिट्टी वाले सड़क होती थी अगर दो गिट्टी निकल गई तो वहाँ बड़ा सा गड्ढा हो गया अब वहाँ से बार बार अगर ट्रक या है, हैवी व्हीकल्स गुजरते हैं तो आवाज़ भी आती है और प्लैरली जो बगल का घर होता है वहाँ पे वाइब्रेशन होता है दैट इज अ स्ट्रेस कंसनट्रेशन वहीं पे फोर्स वहाँ आ रहा है अब वहीं से क्रैकिंग स्टार्ट होती है और रोड बढ़ता बढ़ता वहाँ का गड्ढा बड़ा हो जाता है तो यही एग्जाम्पल्स अगर आप इसको रिलेट करोगे तो जब भी हमारा कोई भी रिवॉल्विंग पार्ट्स है मेटिंग पार्ट्स है चाहे वो बियरिंग हो बियरिंग के अंदर साफ्ट हो तो अगर साफ्ट या बेयरिंग में किसी में भी सर्फेस से रेगुलरिटीज होगी तो बार बार उस पोजिशन पर आवाज आएगी जैसे पंखे की बेयरिंग का आप देखोगे बेस्ट एग्जाम्पल है पंखे की बेयरिंग में अगर बेयरिंग्स में कोई भी एक प्रॉब्लम आती है कोई भी एक बेयरिंग का वो जो बॉल खराब हुआ बेयरिंग का तो या कॉलर बेयरिंग है उसके तो वो स्लाइडिंग कॉन्टेक्ट बेयरिंग है या जो भी है तो बेयरिंग में अगर कहीं से भी थोड़ा सा भी डिफेक्ट आया नेक डाइस आपको नहीं दिखेगा बट वहां पे जब साफ बार बार जाएगा थाउजेंड rpm पे आपका फैन रोटेट कर रहा है या सिक्स हंड्रेड आरपीएम पे रोटेट कर रहा है तो वहां पे सिक्स हंड्रेड टाइम्स वो टच करेगा वो टच करेगा तो आप दिन भर में लाखों बार वो टच कर रहा है तो वो बहुत ही माइन्यूट लेवल पर टच करते 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 पता चलेगा एक महीने बाद पंखे से आवाज़ आनी शुरू हो जाती है धाड़ धाड़ की आवाज़ आती है वो आवाज़ आती थी रे, रे, रेटेटिंग साउंड होता है फिर कुछ दिनों बाद वो जैम हो जाता है क्योंकि वहाँ से वो आगे बढ़ ही नहीं पाता सब इतना ज़्यादा गड्ढा हो जा चुका रहता है फिर वो जैम होने के बाद वो आपका पंखा खराब कर देता है यही सेम कॉन्सेप्ट आपको ऑटोमेटिव पार्ट्स में या फिर एयर एयरोस्पेस में या डिफेंस में कहीं पर भी यहाँ पर जहाँ पर रिवॉल्विंग पार्ट्स होते हैं दो दो के बीच में रिलेटिव मोशनस होता है वहाँ पे होती है तो सरफेस रफनेस को इसीलिए हम मिनिमाइज रखते हैं मिनिमम से मिनिमम रहे या न रहे तो ज़्यादा अच्छा रहे लेकिन न रहना तो हंड्रेड पॉसिबल ही नहीं है ठीक है तो यह ग्राइंडिंग का हुआ कि ग्राइंडिंग का रेंज हुआ ऐसे होनिंग है होनिंग का रेंज देखिए और डाउन हो गया यानी कि अगर आप देखते जाएंगे तो पहले मशीनिंग है टर्निंग है फिर ग्राइंडिंग पे आया अगर ग्राइंडिंग से बात नहीं बनी तो होनिंग पे आया अगर होनिंग तक हमारी रिक्वायरमेंट फुलफिल हो गई तो ठीक है रिक्वायरमेंट और चाहिए तो लैपिंग पे जाएंगे यानी सुपर फिनिशिंग पे बात आ गई ठीक है लास्ट में सुपर फिनिशिंग आ ही गया हमारा ये कि नेक डाई से एकदम टच भी करेंगे तो भी नहीं पता चलेगा और आपको मिरर इमेज भी मिल जाएगा तो ये हाइट ऑफ माइक्रो एयर रेगुलरिटीज माइक्रोमीटर लेवल पे ये रेगुलरिटीज है किसकी सरफेस से जो हमारा हम जिससे मेजर करते हैं सेंट्रल लाइन से, है, से कि कितना सरफेस अप एंड डाउन है ठीक है कितना नीचे गड्ढा है कितना ऊपर सरफेस निकला हुआ है तो वही रेगुलरिटीज तो ये ऐसे ऐसे वन पॉइंट से 0.25 तक यहाँ पर रेंज आ गया यू कैन सीन हेयर फ्रॉम दिस ये टेबल आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल करेगा डिसाइड uh, करने में कि आपको किस लेवल तक की इरेगुलरिटीज़ पे आप आगे आपका काम चल सकता है तो उसी ऑपरेशंस पे हम जाएंगे ऐसा नहीं कि हमारा अगर काम चल जा रहा है हॉर्निंग तक तो हमें सुपर फिनिशिंग तक आने की जरूरत ही नहीं क्योंकि सुपर फिनिशिंग टाइम टेकिंग प्रोसेस है बहुत ही स्लो प्रोसेस और टाइम टेकिंग प्रोसेस है और वो सी बात है कि आपका इकोनॉमिक बढ़ाई देगा प्रोडक्ट काउ बढ़ाई देगा इसीलिए आप देखते हैं कि जैसे हम बहुत सारी चीज़ें यूज कर जैसे हम फॉर एग्जांपल अगर हमने कोई शूज़ परचेज़ किया तो लोकल शूज़ परचेज करोगे तो आपकी फिटिंग का इशू आएगा अंदर आपको कट करने लगता है क्यों क्योंकि क्यों लेदर की फिनिशिंग फिस नहीं होती जो स्ट्रेचेज होती है फिनिशिंग अच्छी नहीं होती रफनेस उसकी खराब होती है जो उसके जो पैड होते हैं पैड की रफनेस सही नहीं होती तो जब वही फिनिशिंग वो देते जाते हैं पैड की रफनेस रिमूव करते जाते हैं फिनिशिंग इसम अच्छी होती जाती है कॉस्ट उसकी बढ़ जाती है हमारे पैर के लिए कंफर्ट होता जाता है तो फिनिशिंग uh, का रोल सुपर फिनिशिंग का रोल यही है कि हमारे लिए वो देखने में खूबसूरत हो वर्क पीस ऑर्नामेंट्स क्या होता है देखने में खूबसूरत हो तो, तो उसकी कॉस्ट बढ़ जाती है वर्क जैसे हमारे पास कोई पॉट है बर्तन है मेटल का जिसमें हम खाना वाना खाते देखते हैं देखने में खूबसूरत लगता है वो कॉपर का है ब्रॉस का है बनाया हुआ है उसकी पॉलिशिंग कर देगी देखने में खूबसूरत तो उसकी कॉस्ट बढ़ गई डेकोरेटिव पार्ट्स है हमने उसकी पॉलिसिंग कर दी सुपर फिनिशिंग कर दी उसकी कॉस्ट बढ़ गई हमें कहीं से भी डैमेज भी नहीं करेगा क्योंकि अगर उसकी फिनिशिंग कर दी तो उसमें कोई बर्ड पार्टिकल्स नहीं निकले होंगे जो हमें कभी डैमेज नहीं करेगा हमारी चीजों को कभी कपड़े को डैमेज नहीं करेंगे हमें डैमेज नहीं करेंगे नॉर्मली टच होने पर कभी दिक्कत नहीं करेगा तो ये इसका एप्लीकेशन है ठीक है सुपर फिनिशिंग इसमें कुछ टॉपिक्स हैं जिसको हम देख सकते हैं कि सुपर फिनिशिंग को कि ये कोल्ड मटेरियल इट इज़ अ कोल्ड मटेरियल प्रोसेस दैट मीन्स कि इसमें हॉट फोर्जिंग कोल्ड फोर्जिंग आपने पढ़ा होगा या हॉट वर्किंग कोल्ड वर्किंग तो ये कोल्ड वर्किंग प्रोसेस है इसमें टेम्परेचर्स का कोई रोल नहीं होता हमें अलग से सेपरेट हीट नहीं देना पड़ता है ठीक है सिंस इट इज़ अ सर्फेस प्रॉपर्टी ठीक सो इट इज़ अफेक्टेड ओनली सर्फेस फिनोमिना और जब ये कोई हीट आप नहीं दे रहे हो कोई हैमरिंग नहीं कर रहे हो एक्सटर्नली सिंपली आप बस रिमूविंग uh, कर रहे हो मटेरियल्स का तो ये कोल्ड होगा और कोई भी थर्मल लेयर डैमेज नहीं करेगा लेयर जो थर्मली डैमेज नहीं होगी ठीक है ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसको याद रखिएगा एलिमिनेट्स द थर्मली डैमेज लेयर्स दैट इज़ ए लेफ्ट बाई द प्रीवियस ऑपरेशन सच एज अ ग्राइंडिंग बट इन केस ऑफ ग्राइंडिंग ये प्रोसेस होता है कि थर्मली लेयर डैमेज होता है क्योंकि वहाँ पे देखते हुए ना चिंगारियाँ निकलती हीट कितना ज़्यादा बढ़ जा रहा है कटिंग फ्लूट का यूज़ होता है ताकि ड्रेसिंग की भी जो आ, मतलब आ, ये जितने भी पार्टिकल्स हैं उसको वॉश अवे कर ले जो हम यूज कर रहे हैं ग्राइंडिंग व्हील जो व्हील यूज कर रहे हैं या जो हम डिवाइस यूज कर रहे हैं सुपर फिनिशिंग के लिए वो उसमें भी ये पार्टिकल्स आके एडिशन ना करें और ड्रेसिंग की रिक्वायरमेंट ना हो तो कटिंग फ्रूट हमारा ड्रेसिंग प्रोसेस को मिनिमाइज कर देगा ठीक है हा, सुपर हाँ सुपर फिनिशिंग कैपेबल ओनली इम्प्रूविंग द सर्फेस फिनिशिंग ठीक है नॉट डायमेंशन इलिक्योरेसी जैसा कि हमने पहले भी आपको बताया था कि ग्राइंडिंग uh, दोनों के लिए रिस्पॉन्सिबल है ठीक है फिनिशिंग दोनों के लिए रिस्पॉन्सिबल है बहुत हद तक बट ये क्या करेगा कि यह सब सर्फेस फिनिशिंग को इम्प्रूव करेगा बट नॉट डायमेंशन इलिक्यूरेसी डायमेंशन इलिक्यूरेसी का ऐसा कोई मतलब नहीं है कोई इसको लेना देना नहीं है डायमेंशनल इलिक्यूरेसी को आप किनारे कर सकते हैं ठीक है सुपर फिनिशिंग कैन बी फिनिश फ्लैट सर्फेस एंड एक्सटर्नल सिलेंडिकल सर्फेस चूंकि ये है हमारा तो इसको भी हम सुपर फिनिशिंग कर सकते हैं इंटरनली भी कर सकते हैं एक्सटर्नली भी कर सकते हैं इंटरनली भी जैसे हमारे पास कोई सर्कुलर वर्क पीस है सिलेंड्रिकल सर्कुलर विक्स है तो हम उसको भी कर सकते हैं सरफेस में क्योंकि उसमें हमारे पास जो डिवाइस होता है बैरल टाइप की भी हम डिवाइस यूज कर सकते हैं ठीक है वो इंटरनली के लिए होता है फ्लैट सर्फेस के लिए हम लैपिंग होनिंग भी यूज़ कर सकते हैं तो जैसे आगे आगे अब हम जब नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि जो डिफरेंट टाइप के जो हैं जो हमने पॉजिटिविटी में देखा था हाँ जैसे है हॉर्निंग है लैपिंग है पॉलिशिंग बफिंग है ये सब तो ये जो मैकेनिज्म है शेप ऑफ द वर्क पीस पर डिपेंड करता है कि कौन सा शेप है कैसा फ्लैट है ठीक है टॉप ऑर्ड है कि इंटरनल है एक्सटर्नल है उसके हिसाब से हम यहाँ डिसाइड करते हैं कि हमारा कौन सा सुपर फिनिशिंग ऑपरेशन इसमें से इन्वॉल्व हो सकता है ठीक है माइक्रो स्टोनिंग है मतलब स्मॉल लेवल पे वेरी स्मॉल लेवल पे तो मटेरियल रिमूवल रेट जो है बहुत ही स्मॉल होता है बहुत ही स्लो होता है या कह लीजिए यू कैन से कि वो भी नेक डाई से मुश्किल होता है पता करना है कि मटेरियल मोबल रेट हो रहा है कि नहीं कभी आप ऑर्नामेंट्स के शॉप पे जाएंगे जहाँ पे पॉलिशिंग होती है सुपर फिनिशिंग होती है तो वो लोग क्या करते हैं कि वो अपने घर के दुकान शॉप की ज्वेलरी शॉप में ना कोई भी चीज़ वो झाड़ू लगा के फेंकते नहीं है बाहर क्योंकि उसमें बहुत छोटे 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 पार्टिकल्स होते हैं गोल्ड के सिल्वर के तो वो महीने महीने का इकट्ठा कर लेंगे पूरे कूड़े को डस्ट फॉर्म में जो भी रहता है उसको फिर उसके बाद उसको बाहर ले जा कर प्योरीफाई करा के गोल्ड अलग सिल्वर अलग करते हैं और इम्प्योटीज़ अलग करके फिर उससे भी उनको प्रॉफिट होता है तो बहुत ही स्मॉल पार्टिकल्स होगा जो कि आपको नेट डाइस से नहीं दिखेगा इसलिए मटेरियल मोबाइल आप कह सकते हैं बहुत ही लो होता है ठीक है सुपर फिनिशिंग इज जनरली यूज पर जो है कि जैसे आप डिस्कस किया था कि रिमूविंग सरफेस फ्रेगमेंटेशन मतलब कि फ्रेगमेंटेशन का मतलब कि जो रेगुलरिटीज़ है टूटा हुआ पार्ट्स है उससे है रिड्यूसिंग सरफेस स्ट्रेसेस तो जब रफनेस आप मिनिमाइज़ कर दोगे तो सरफेस स्ट्रेसेस जो होगा बर्स होगा ठीक है इंटीग्रिटी जो होगी उसको सबको मेंटेन कर लेता है बर्स मतलब जो रेगुलर शेप है उसकी बात होती है ठीक है हाई वेयर रजिस्टेंस सर्फेस डेवलप कर देता है कि जो कि सीमेट्रिकली रहेगा और फ्लैट रहेगा मतलब जैसा यहाँ है वैसा यहाँ ऐसा आगे भी है या जिस शेप में भी है उस शेप में सिमेट्रिकली रहना चाहिए कोई भी इरेगुलरिटीज़ की वजह से शेप चेंज ना होना चाहिए तो इसके लिए हम इसको प्रेफर करते हैं ठीक है वर्किंग प्रिंसिपल पे हम डिस्कस ही कर चुके थे कि एक कोई भी प्रोसेस जैसे आप लैपिंग करोगे तो लैप शेप में ऐसा रहता है डस्टर के शेप में रहेगा लैप करोगे ठीक या फिर हमारा सिंपल अगर सुपर फिनिशिंग है तो ये वर्क पीस ऐसे ऐसे हमारे इस पर करेगा ऐसे करता है ये वर्किंग प्रिंसिपल इस पर प्रेशर दे देंगे या एब्रेसिव पार्टिकल्स यहाँ हेल्ड होगा एक ब्रैकेट्स में यहाँ हेल्ड होता है यू कैन से यर्क जैसे ये हमारा डस्टर है डस्टर इज ऑल्सो रोल प्ले आ रोल सुपर फिनिशिंग जब हम हमें यहाँ पर व्हाइट बोर्ड पर मार्कर से लिखते हैं और ये करता है तो हम वाइट बोर्ड पर जो हम अब अनवॉन्टेड पार्टिकल्स हैं उनकी कोई थिकनेस नहीं है लेकिन हमें रिमूव करना है हम रिमूव कर दिया हमने व्हाइट बोर्ड्स पर चमकने लगा तो क्या हुआ सुपर फिनिशिंग ही तो है वो अनवॉन्टेड है जो हमें रिमूवल कर दिया हमने देखने में सुंदर लगने लग गया तो ये क्या हुआ ये हमारा एक डिवाइस हो गया कि जो सुपर फिनिशिंग प्रोसेस के काम कर रहा है ठीक है इसको यहाँ से आप देखिए ठीक है सर्कुलर हाँ वर्कपीस है हमारा सर्कुलर वर्क पीस पे हम यहाँ पे वर्क ये हमारा वर्क पीस पे हमारा डिवाइस है ये डिवाइस पे ये स्टोन लगा हुआ है इन सब में स्टोन ऐसे छोटे छोटे पार्टिकल्स में लगे पड़े ठीक है ये छोटे छोटे दैट इज स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ द एब्रेसिव पार्टिकल्स वेरी माइक्रो लेवल्स ठीक है वी अप्लाई द प्रेशर हियर स्टोन होल्डर्स मूव फ्रॉम इन दिस डायरेक्शन ठीक है एंड फिनिशिंग ऑफ सुपर फिनिशिंग ऑपरेशन इज अफॉर्म हियर सो अगेन आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन दिस दिस इज अ वर्क पीस ठीक वर्क पीस रोटेट अलॉन्ग दिस एक्सेस ठीक है और हेल्ड फ्रॉम दिस एंड दिसक में आपका जो लेथ मशीन्स का मैंने बताया हाँ दिखाया था एग्जाम्पल प्लेन सिलेंड्रिकल तो ऐसे कुछ होगा ये लेग होगा ठीक है ये बेड हो गया ये आपका चेक हुआ ये हेड हुआ तो यहाँ पे वर्क पीस जो है एक वर्क पीस यहाँ हेल्ड होगा फिर यहाँ से ये होगा ये आपका वर्क पीस हो गया ठीक है ये रोटेट होगा या फिक्स कर दिया जाएगा और इसके ऊपर जैसे ये ये रोटेट कर दिया यहाँ से हमने लगा दिया इसके ऊपर बस ये ऐसे ऐसे रोटेट होते हुए मशीनिंग करेगा ऐसे ये हमारा यहाँ से हमने यहाँ से पकड़ के प्रेशर दे दिया ये ऐसे रोटेट होता रहता है और मशीनिंग परफॉर्म होती रहती है सिलेंडिकल शेप में तो यहाँ पर प्रेशर इसलिए दिया जाता है कि प्रेशर दिया जाएगा तो कॉन्टेक्ट बना रहेगा जैसे प्रेशर का वेरिएशन करोगे वो इस तरह से फीड का काम करेगा ठीक है वर्क पीस फिक्स होता है वो एक अलॉन्ग सेंटर वो रोटेट करता रहता ठीक है।, है ये इसके कुछ एग्जाम्पल्स uh, हैं जो आपको दिख रहे हैं कि कैसे सुपर फिनिशिंग का जो हमारा है ये देखिए इसकी शाइनिंग देख के आपको लग रहा होगा जैसे आप घर पे आपने देखा होगा रेलिंग जो सीढ़ियों पे लगा रहता है इन इनसाइड हाउस में तो जो uh, जहाँ पे हैंड उसको हम बोलते हैं हैंड रोलर uh, बोलते हैं इसका जो भी नाम होता होगा ये पकड़ने के लिए ताकि अगर इस पर सोचिए कि थोड़ी भी सर्फेस रफनेस इसकी खराब होगी तो आपके पॉम्स को डैमेज करके हथेलियों को या अगर इसका लेबल जो है कुछ माइक्रो है कुछ ज़्यादा लेवल का हुआ तो मेट भी आप उतर रहे हो डाउन स्टेयर्स के टाइम पे आपकी स्पीड ज़्यादा हो आपने हाथ रखा और आपका हाथ स्लाइड करते हुए आगे बढ़ा तो हाथ को डैमेज कर सकता है इसलिए यहाँ पे सुपर फिनिशिंग की रिक्वायरमेंट है दिन भर में अगर किसी सीढ़ी से चार पाँच बार लोग डाउनवर्ड्स में जा रहे हैं और चार पाँच के में किसी के भी हाथ को डैमेज किया तो आपको पाँच दस हज़ार का घर के लोगों में फटका लग गया तो पाँच दस हज़ार का जो डैमेज हो रहा है उससे बेटर यही है कि आप और सुपर फिनिशिंग पे आप पैसे खर्च कर दीजिए दो हज़ार रुपये में आपको सुपर फिनिश्ड मैक्सिमम मैक्सिमम पूरी चीज़ें सुपर फिनिश्ड होकर मिल जाएंगी तो वहाँ पर हमें कॉस्ट पे नहीं कर देखना होता हमें क्वालिटी पर बात करनी होती है जो हमने डिफेंस और एयर स्पेस की बात की थी मिलिट्री की बात की थी कि जहाँ पर हमें कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि जहाँ पर हमें क्वालिटी पर बात होती है वहाँ पैसा मैटर नहीं करता है तो यहाँ पे जगह जो डेली यूज की चीज़ें जहाँ पे आपकी फैमिली अफेक्टेड हो रही है जहाँ पे आपकी नेशंस की बात आ रही है सिक्योरिटी की बात आ रही है सेफ्टी की बात आ रही है वहाँ पे आपको सुपर फिनिशिंग को प्रेफरेंस प्रिफर, इसीलिए दिया जाता है नो डाउट इट्स अ कॉस्टली एंड टाइम टेकिंग प्रोसेस बट हमें प्रीफर करना पड़ता है एडवांटेज डिसएडवांटेज की बात कर लेते हैं लेस मटेरियल लॉसेज होता है इकनोमिकल प्रोसेस अचीव हाई डिग्री ऑफ फिनिश जिसे हम मिरर इमेज के नाम से दे देते हैं रेड्यूज फ्रिक्शन होता है इंक्रीज पार्ट लाइफ सबसे इंपॉर्टेंट है कि इंक्रीज पार्ट लाइफ किस सेंस में इंक्रीज़ कर रहा है स्ट्रेस कंसेंट्रेशन रिड्यूज कर रहा है वियर रजिस्टेंस को रिड्यूज कर दे रहा है तो इसलिए यह कर देता है ठीक है प्रोवाइड हाई लोड बियरिंग सरफेस एंड बेटर सीलिंग कैपेबलिटीज सीलिंग कैपिल्टीज का मतलब कि एयर टाइट या लिक्विड टाइट रहेगा अगर वहीं पे इरेगुलरटीज होगा तो होल्स बड़े होते जाएंगे और जब होल्स बड़े होते जाएंगे तो वहाँ से लीकेज के चांसेस रहते हैं तो इसलिए ये भी इंपॉर्टेंट है मटेरियल वोबल लेट रेट जो बहुत स्लो है टाइम टेकिंग प्रोसेस होता ही है यह ठीक है ये टाइम टेकिंग प्रोसेस है ग्राइंडिंग इज रिक्वायर्ड बिफोर सुपर फिनिशिंग ग्राइंडिंग इज रिक्वायर्ड बिफोर सुपर फिनिशिंग इसलिए होता है कि भाई अगर आप शुरू लेवल पर ही जैसे ये हमने टेबल दिखाया आपको हाँ अब इसी लेवल पे आप सुपर फिनिशिंग स्टार्ट कर दोगे तो फिर ये तो मतलब आपके मेरे हिसाब से ये समझदारी नहीं है क्योंकि आप यहाँ देख रहे हो कि इसको ग्राइंडिंग क्या इसको हम ग्राइंडिंग होनिंग तक इससे काम चला सकते हैं उसके बाद हम सुपर फिनिशिंग पे आए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि हमारा टाइम एज वेल एज पैसा और मेहनत तीनों चीज़ें बचेंगे ग्राइंडिंग में हमें कम टाइम में ये पूरा काम हो जाएगा हमारा सो ठीक इसीलिए हम इसको ग्राइंडिंग पहले ज़रूरी होता है ठीक है अपलिकेशनस में आपको मैंने दिखाई दिया कि सारे ऑटोमेटिव पार्ट्स होती है जहाँ पे भी रिलेटिव मोशन होगा वहाँ पे हमें मिनिमम सरफेस रफनेस चाहिए या ज़्यादा से अच्छे से अच्छा फिनिशिंग चाहिए वहाँ पे या नॉमेंट्स डेकोरेटिव पार्ट्स ठीक है होम अपलाइंसिस की चीज़ें होती हैं किचन्स की चीज़ें होती हैं सब जगह इसकी रिक्वायरमेंट होती है ठीक है ये रेफरेंसेज हैं थैंक यू सो मच